हेलो गाइस, कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान जयपुर के द्वारा आयोजित किए जाने वाली सीएसओ की वैकेंसी है, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आज अपन इसमें एडमिट कार्ड जारी करने का प्रोसेस समझेंगे कि आपका एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत आपका 10:30 से 12 बजे के मध्य आपका एग्जाम होने वाला है और 19 अप्रैल को आपका रविवार को एग्जाम रहने वाला है, जो कि सीएसओ की वैकेंसी संविदा पोस्ट पे निकाली गई है, जिसकी एग्जाम है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। आपको एडमिट कार्ड निकालने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की साइट ओपन कर देनी है और वहाँ से आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड का टैब नजर आ जाएगा। आप यहाँ से भी एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, उसके अलावा आप एसएसओ के माध्यम से भी एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। उन सारे प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद में आप अपना एडमिट कार्ड है जो आपने व्हाट्सअप नंबर दिया था फॉर्म फिलअप किया उस समय, तो उस नंबर पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो आप डीओबी के माध्यम से उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो अपन सारे तरीकों को इसी वीडियो में समझेंगे। दोस्तों मेरे साथ नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम एडमिट कार्ड का टैब नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा आपको। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर शो हो जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्टैक्ट 2022 के रूप में है, जो कि आपका संविदा पोस्ट के आधार पर है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ जानकारी फिलअप करनी होगी, जिसके अंतर्गत कुछ इस तरह का टैब नजर आएगा, जिसके अंतर्गत आप गेट एडमिट कार्ड का टैब नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ जानकारी फिलअप करनी, जैसे अपना एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद में कैप्चा डाल के सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके अलावा अपन एसएसओ के माध्यम से भी एडमिट कार्ड निकालने का प्रोसेस समझ लेते हैं। सर्वप्रथम आपकी एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है, उसके बाद में आपको सिटीजन ऐप ओपन कर लेना है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल नजर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जो कि आपने फॉर्म फिलअप किया था उसी टैब को यहाँ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube से हम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत यहाँ पर नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा सीएसओ एडमिट कार्ड के रूप में। अगर आपको यहाँ पर शो नहीं होता है तो गेट एडमिट कार्ड का टैब नजर आ रहा है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस था, आप इस तरह अपना एडमिट कार्ड निकाल देंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।